कंफ्यूजन की स्टेट में हो कि यार पता नहीं क्लाइंट मेरा कब पे करेगा, बट मैं गारंटी करता हूँ ना कि क्लाइंट आपका खुद भी कंफ्यूजन की स्टेट में है कि यार नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मुझे कब पेमेंट करनी है, एग्जैक्टली हो क्या है। ये पाकिस्तानियों के साथ बहुत ज़्यादा होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर ही ऐसा है। गेट आउट ऑफ योर हॉस्पिटैलिटी मोड। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं ग्रोसरी स्टोर गया, चेकआउट कर रहा हूँ, मुझे एक बंदा कहता है कि कोई चाय ठंडा आप पियेंगे, साथ में मेरे पास ड्रिंक थी, मैंने कहा वैसे ही मजाक में कहता हूँ यही आप जो है ना ठंडा मुझे पिला दे। उसने कहा हाँ चले ठीक है। मैं शॉक हो गया, मैंने बाय द वे पैसे दिए, लेकिन मैं शॉक हो गया कि यार ये बंदा जो बिजनेस कर रहा है इसका अपना एक आइटम है जो सेल के ऊपर है और ये मुझे सेल कर रहा है और मुझे साथ में इसने फ्री में ऑफर भी कर दिया। अभी खुद ही अपनी रिक्वेस्ट के अंदर ही वो फंस गया। ये तो मैं अच्छा बंदा था, मैंने पे कर दिया, सोचो मैं उससे मुफ्ती का लेके चला जाता, हो गया ना उसको बिजनेस इम्पैक्ट। सो हॉस्पिटैलिटी मोड जो है ना वो हमें किल कर रहा है। एंड मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे आपकी हेल्प होगी। आई वांट टू स्पीक अ बिट मोर अबाउट दिस बिकॉज जो मैं हूँ पख्तून और पख्तून कल्चर के अंदर जो है ना पख्तून वली का एक कॉन्सेप्ट है, सेम हॉस्पिटैलिटी, आप हमारे मेहमान हैं हम आपसे कैसे पैसे लेंगे। हर कोई घबराता है कि यार मैं कैसे दें, आपने जो मुनासिब रेट जो है ना वो मुझे पे करना है आप पे कर दो। इट्स अ बिजनेस, बिजनेस के रेट होते हैं, बी फर्म ऑन योर बिजनेस। अगर तो उसकी पेमेंट है जस्ट टेल देम कब पे करना है और कितनी पे करनी है, कोई कंसेशन किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं है। आपके साथ वही रिलेशनशिप जो है ना वही क्लाइंट चाह रहा है, वो आपसे फेवर्स नहीं चाह रहा कि आप मुझे फ्री में ठंडा पिला दो। अच्छा ये हॉस्पिटैलिटी मोड जो है ना एक रिलैक्सेशन मोड भी ले आता है पाकिस्तान में कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट आपने क्लोज कर दिया, अभी आप कह रहे हो कि हाँ नहीं मैं बस क्लाइंट को किसी तरह ना क्लोज कर दूँ, बाकी मैं बाद में देख लूँगा, पैसे हो जाएंगे सर वो कोई मसला नहीं है, बस आपको इन्वॉइस आ जाएगी इंशाल्लाह। फिर वो भी भूल जाते हैं, दो महीने बाद इन्वॉइस आती है, तीन महीने बाद पता नहीं क्या कुछ डिलीवर नहीं हो रहा होता। इट्स जस्ट टू फ्रेंटिक, यू हैव टू स्टे विद इन योर बिजनेस प्रिंसिपल्स। सो वो तीन चीज़ें क्या हैं जो आप अगर कर लो तो क्लाइंट आपको पैसे दे दे। अच्छा तीन चीज़ों से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि यार वी हैव दिस अंडर कंट्रोल, हमारे क्लाइंट्स हमें पे करते हैं, तो प्लीज बाय ऑल मीन्स आप नेक्स्ट वीडियो पे चले जाएं, बिकॉज ये सिंपल है लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट डूइंग इट, तो ये इफेक्टिव भी उतने ही है। सो कौन सी तीन चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ आती है नेक्स्ट स्टेप्स, इनवॉइस कब पे करना है, कितना पे करना है, अगर प्री बिलिंग है फुल पेमेंट की बात करो, अगर तो डिपॉजिट है डिपॉजिट की बात करो, और ऑनबोर्डिंग के स्टेप्स शेयर करो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो नेक्स्ट स्टेप आपका है ना वो क्लाइंट के साथ आपने इस तरह रखना है सामने कि ऑनबोर्डिंग तब तक नहीं होगी जब तक ये पेमेंट वाला आप टेक केयर नहीं करोगे। दिस विल पुट प्रेशर बैक ऑन द क्लाइंट के मेरी चीज़ ही रुकी हुई है, वो आपसे अगर कहता भी है आप कहो नहीं दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट्स ओके ट्राई करके देखो। सेकंड पे एग्रीमेंट और सर्विस स्कोप का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्रीमेंट आपके पास नहीं है फॉर्मल, तो एक सर्विस स्कोप एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक वर्ड डॉक्यूमेंट या पेपर नोट पे लिख लो, साइन कर दो। सर्विस स्कोप विल सेव यू फ्रॉम ऑल द हर्डल। ये पेमेंट के साथ कैसे लिंक्ड है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सी दफ़ा ये होती है कि क्लाइंट आउट ऑफ स्कोप वाले रिक्वेस्ट भी करता है, यार मेरे लिए ये भी कर लो कि मुझे इतने रिविजन्स भी दे दोगे, मुझे सोर्स फाइल्स भी दे दोगे, मुझे ये भी कर दोगे। अगर आपने ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया हो ना कि ये सर्विस है इसकी ये पेमेंट है और जो भी इसके आउटसाइड होगा ना वो आउट ऑफ स्कोप है, बट If you really want to do it like a pro, out of scope वाली चीज़ें भी आपने mention करनी है service document के अंदर ही, कि अगर आपको let's say ये चीज़ें चाहिए, as an example extra revision चाहिए, आपको raw files चाहिए, कोई भी इस तरह की extra चीज़ जो हो उसके क्या charges होंगे, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास है ही नहीं और client पूछ रहा है बार बार आपसे, that means you just haven't done a good job. So वहाँ पे भी आपकी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हैं या मिस्ड पेमेंट्स हैं जो आप चार्ज कर सकते थे, नाउ यू आर ऑब्लिगेटेड टू गिव देम बैक। एंड हियर्स द थिंग, बहुत से लोग जो है ना अप फ्रंट मैनेजमेंट को एक तरह से गलत समझ लेते हैं। एक चीज़ होती है अप फ्रंट होना क्लाइंट के साथ कि ये सर्विस है और इससे एनीथिंग आउटसाइड विल बी एक्स्ट्रा, बट इट्स अनदर थिंग कि बाद में जब क्लाइंट पूछे आप रूड बिहेवियर के साथ जाओ कि नहीं हम तो सिर्फ ये करेंगे, दैट्स रिजिडनेस। आपका रिकरिंग जो क्लाइंटेल होगा ना वो इससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिकॉज पीपल लव वर्किंग विद अदर्स जो कि थोड़ा आउट ऑफ द वे भी जाके उनको हेल्प करें। लेकिन अगर आपने इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ, इसमें क्लाइंट की गलती नहीं है, इसमें प्योरली आपकी गलती है। तीसरा ऑफ बोर्डिंग, यहाँ पे तो मैं आपको लिखवा के कह सकता हूँ 90% ऑफ पाकिस्तानी एजेंसीज विल फेल।
फिनिश लाइन से पहले ही रुक जाते हैं. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. मैंने एक फोटो शूट जो है ना वो स्केड्यूल किया एंड फोटो शूट हुआ, मुझे मतलब रॉ इमेजेस जो है वो मिल गई, उसके बाद एडिटेड मिल गई, एक वीडियो भी मैंने बनवानी थी. सो वीडियो जो है मैंने फॉलोअप नहीं किया, उन्होंने भी फॉलोअप नहीं किया, और मैंने जब बाद में फॉलोअप किया उन्होंने कहा सर हमने डिलीट कर दिए हैं, ये तो आपने पहले बताया था. यार ये मेरा कसूर है, आपने सर्विस देनी है. यू हैव टू मेक श्योर कि सर्विस आपने कंप्लीट कर दी है, एक फिनिश लाइन जो है उसको आपने क्रॉस कर दिया. Why is this important? Because finish line के बाद आप अपना business kill कर रहे हो. Maybe finish line के बाद आप एक plant कर दो ना, एक seed के अच्छा by the way in future अगर आपको ये भी चीज़ें चाहिए हो ना ये भी हम करते हैं. या लेट्स से जो नेक्स्ट ऑफ बोर्डिंग के वक्त हम क्रॉस सेलिंग बहुत करते हैं. एज एन एग्जाम्पल हम अमेजोन के काम करते हैं, अगर आपकी फोटोग्राफी होगी है और सब कुछ लिस्टिंग आपकी क्रिएट होगी, अब नेक्स्ट है आपने लॉन्च करना है, लॉन्च में आपको एडवर्टाइजिंग की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम करते हैं. अब अगर मैं लेट से फिनिश लाइन को पास नहीं करता, मैं भूल जाता हूँ, क्लाइंट भी भूल जाता है, तो इसमें नुकसान हमारा ही हो रहा है. बिकॉज क्लाइंट जो है वो आपके साथ बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सर्विसेज हैं जो आपसे ले सकते हैं, लेकिन आपने उस पोटेंशियल को ही किल कर दिया फिनिश लाइन को ना क्रॉस करके. एंड बाय द वे फीडबैक, रिव्यूज़, कस्टमर सर्विस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो ये भी फिनिश लाइन क्रॉस करके आप पूछोगे कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस. बहुत सी एजेंसीज नहीं कर रही है, बट इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट नॉट ओनली विल यू स्टार्ट गेटिंग फीडबैक जो कि आप इम्प्रूव करवा सकते हो उसके अंदर, बट यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पावर ऑफ क्रॉस सेलिंग में कितनी जान है. अच्छा यहाँ पे अब एक मैं बोनस टिप भी देना चाहूँगा क्योंकि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है. तो बोनस टिप में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर तो आपने अर्जेंसी डालनी है, लेट्स से क्लाइंट जो है वो क्लोज हो गया लेकिन उसको पता भी है उसने पेमेंट करनी है, सुस्त हो रहा है, हमेशा कॉल के ऊपर ना इनिशियली आप उनसे ज़रूर पूछना कि टाइमलाइंस क्या है, आपने कब तक करना है. हर कोई क्लाइंट आपसे टर्न अराउंड टाइम ज़रूर पूछेगा, राइट, बट क्रिएट दैट प्रेशर यूजिंग टाइमलाइंस. लेट्स से आपकी सर्विस को 3 to 4 weeks लगते हैं और क्लाइंट को जो है ये विद इन 1-1.5 months रेडी चाहिए. सो नाउ यू कैन टाई दैट बैक, यार हमारे पास 1.5 months है, आप आज एक्शन लोगे, पेमेंट सबसे पहले उसकी कंडीशन, आप आज एक्शन लोगे, हमें काम जब तक मिलेगा जब तक हम स्टार्ट करेंगे 1-2 weeks हमें सेटअप में लग जाएंगे और फिर पूरे महीने का काम है, तो आपको राइट अवे अगर प्रॉपरली 1.5 months में डिलीवरी चाहिए, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे. क्रिएट दैट अर्जेंसी, पुट द टाइम प्रेशर ऑन देम एंड दे विल टेक एक्शन.